मधुसूदनगढ़ में राजगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल लागर एक बार फिर सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में जब वे मधुसूदनगढ़ जनसंपर्क करने पहुंचे तो रास्ते में खड़े एक व्यक्ति से हाथ मिलाने की कोशिश की। उक्त व्यक्ति ने उनका हाथ झटक कर अलग कर दिया और हाथ नहीं मिलाया। इस दुत्कारे जाने का वीडियो लोगों में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद हमने तलाश की उस व्यक्ति की जिसने रोडमल लागर की बेइज्जती की। उक्त व्यक्ति का नाम डालचंद मुगिया है। इसके साथ ही उक्त व्यक्ति रोडमल नागर से इसलिए नाराज है क्योंकि पिछले 5 सालों में वह कभी भी मधुसूदनगढ़ नहीं आए। साथ ही जब वह व्यक्ति सांसद से कुछ काम के लिए पहुंचा था तब उन्होंने उसका काम करने से मना कर दिया था। वहीं डालचंद का कहना है कि जब सांसद हमारे काम नहीं आते तो हम उन्हें वोट क्यों दें, उन्हें माला क्यों पहनाएं। तो 5 साल में तो पहली बार आए और फिर भी आने के बाद में कहने लगे कि एक बार मैंने तेरी बैंक से संबंधित जानकारी की कहा तो मुझसे कहने लगे कि कर्मचारी लोग इस बैंक को खा गए हैं और इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद में हमसे कहा कि माला डालो तो माला हमको डालें साहब, माला कोई ऐसा थोड़ी कर रहा है इनके लिए। हमारे जनसंपर्क करने आया तो क्या कैसा क्या किया आपने फिर उनके साथ? मैंने धिक्कार दिए उनको साहब, मैंने नहीं डालना माला। मधुसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।